केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। ये बजट ऐसे समय में आया है जब देश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस बजट से लोग काफी उम्मीदें बनाए बैठे थे। इस बार भारत सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर सरकार का फोकस रहा है। सीतारमण ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के बाद मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया गया। इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया गया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। पेंशन पाने वाले 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 2.5% तक कर दिया गया है। इससे मोबाइल फोन और चार्जर महंगा हो जाएगा। हालांकि कॉपर, स्टील, सोना और चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सरकार ने इस बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है। इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा, जिसमें 3 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट हों। पूंजी व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट की घोषणा की गई। ये घोषणा पिछले बजट से 30% अधिक है। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाने को भी मंजूरी दी गई है। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बजट में मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्क से जुड़ा डाटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खोला जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द होगा। हर बार NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किल होती थी, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए ऐलान किया। इसके तहत करीब 1% कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। अगले साल कई PSU में विनिवेश होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष LIC के IPO को बाजार में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। इस बार कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट के दायरे को बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। साल 2020 देश के लिए काफी घातक रहा है। कोरोना महामारी ने चुनौतियां बढ़ाई, अर्थव्यवस्था को जिस तरह से नुकसान पहुंचा उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे में अब 2021 के इस बजट से लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिसमें सरकार की ओर से कई बातों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल TV को डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।